हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है शुक्रवार। सॉरी, कल व्लॉग नहीं आ पाया इसलिए क्योंकि मैंने शूट किया ही नहीं। तो चलो, अभी बज चुके ऑलमोस्ट 6:15, क्लाइंट के घर जाने का टाइम हो चुका है। तो चलो, जब मैं उधर पहुंचूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। चलो, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा। सो गाइस, ट्रेनिंग से वापस आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया। मैं आँखों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी नीचे आया हूँ और अब पीते हैं, पहले कॉफ़ी बनाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और निकलते हैं जिम के लिए। आज करेंगे कार्डियो, क्या करूँगा वो आपको कॉफ़ी पीते पीते मैं बताता हूँ। गाइस, बज चुके हैं ऑलमोस्ट 10। थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ जिम क्योंकि ट्रेनिंग से आने के बाद मैं थोड़ा सो गया था। सुबह कोल्ड स्टार्ट किया, अभी वापस कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ रही है, ठंडी इतनी ज़्यादा है। थोड़ा सा ठंडा है इंजन, पर इतना काफ़ी है। चलो निकलते हैं जिम और मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली वहाँ पर। सो गाइस, वर्कआउट हैज बीन डन, चलते हैं घर, मतलब नीचे, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। नीचे मिलता हूँ आपको। फाइनली नीचे आकर बात करता हूँ वरना 100% कॉपीराइट क्लेम आ जाता। चलो, इस पर अपना बचपन के प्यार पर चलते हैं घर, और घर जाकर नहाते हैं और एक और दोस्त के यहाँ जाना है, उसको अपने जीएस दिखाने के लिए। चलो पहले घर पर जाते हैं। सिग्नल पर खड़ा हूँ और यार घर जाते टाइम भी अभी बज चुके ऑलमोस्ट 12। ठंड है मगर पर अच्छा लग रहा है, ठंड में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सो गाइस, नहा धोकर बंदा तैयार है और मैंने सोचा एक दोस्त को भी अपनी जीएस दिखानी है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो मैंने सोचा कि उसके घर जाने से पहले ना थोड़ी पेट पूजा की जाए। तो अभी मैं खा रहा हूँ खाना, प्रोटीन युक्त खाना है हमारा। तो चलो खाना खाते हैं और निकल पड़ते हैं। सो गाइस, अभी एक दोस्त को राउंड मारने के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी काफ़ी दिनों के बाद मैं उससे मिल रहा हूँ तो अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पी जाए। तो अभी कॉफ़ी पी ली है, वो यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब निकलते हैं चलो। सो गाइस, अभी एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता था। आज पहली बार मैंने अपने जीएस पर वो जो पीछे उधर सिग्नल है वो मैंने तोड़ा। क्यों? बहुत सारे लोगों ने तोड़ा, मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मैं पहली लाइन में खड़ा था और पीछे से सुनाई दिया एम्बुलेंस का हॉर्न, एम्बुलेंस का सिग्नल। तो वहाँ पर पुलिस अंकल थे, उन्होंने कहा आप जा सकते हो, तो मैं निकल गया वहाँ से। पर टेक्निकली सिग्नल तो टूटा है, आप सिग्नल मत तोड़ा करो। ऐसी कोई अगर सिचुएशन आ जाती है तो ही आप ऐसे बिहेव कर सकते हो, अदरवाइज सिग्नल तोड़ना नो, नॉट अलाउड। सो गाइस, घर वापस अपने रूम में आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो कलर मैंने लगाया है ना इस, और ये कलर, इससे रूम का जो फील है वो काफ़ी ठंडा आता है। अब कुछ भी बोलो, अपना घर और अपनी रूम का जो फील है ना, वो 7-स्टार कौन से भी 7-स्टार होटल का कोई भी स्वीट, कोई भी डिलक्स रूम, कोई भी एक्सपेंसिव रूम बिल्कुल नहीं ले सकता। दैट्स अ ट्रुथ। चलो इसी बात पर एक थोड़ी सी नैप लेता हूँ और आपको मैं थोड़ी देर में वापस मिलता हूँ। सो गाइस, नैप पूरी हो चुकी है और मैं इस जगह इस एंगल पर तभी बैठता हूँ जब मैं पी रहा होता हूँ कॉफ़ी। तो लास्ट कॉफ़ी पियेंगे दिन की और उसके बाद में बहन आने वाली है घर, तो उसको आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। वैसे आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं आपको मिलता हूँ जब सिस्टर और शार्दुल, क्षिति और मेरा ब्रदर इन लॉ आएंगे, तब स्टे ट्यून्ड। तब तक मैं देखता हूँ डकार, आज रैली डकार ख़त्म हुई है, कौन जीता देखते हैं, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। सो गाइस, कॉफ़ी मस्त पी ली अभी, अभी थोड़ी देर में बहन भी आ रही है, तो टाइम पास करने के लिए मैं देख रहा था डकार रैली। इस साल मैंने पहले स्टेज से डकार रैली फॉलो की है, किसी को अगर पता नहीं हो तो जस्ट गूगल इट, आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी टफ है, सब रैली डेजर्ट में होती है गाइस, सब रैली मतलब इट टेस्ट्स ऑल
योर ब्लड स्वेट एंड टीयर अमेजिंग अमेजिंग। जिनको मोटर स्पोर्ट का थोड़ा भी नॉलेज है वो जानते हैं कि डकार रैली इज़ अ पिनाकल ऑफ मोटर स्पोर्ट। अमेजिंग। मैं यार उनकी राइडिंग देख के मुझे भी ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। दिस इज चैलेंज। एक बार देख लो आप, जस्ट गूगल इट डकार रैली, वीडियोज और फोटो सब सामने आ जाएंगे। अमेजिंग, चेक करना एक बार जरूर। सो गाइज, आया शार्दुल और yes. आते लग गया काम पर परफ्यूम मारने के लिए। इसको भी बहुत ज्यादा परफ्यूम पसंद है। चलो बहन भी नीचे आइए, चलो नीचे चलते हैं। नहीं चल खाली, मैं और शार्दुल इधर बाहर बैठे हैं क्योंकि अंदर ये लोग बैठे। आपको दिखाता हूँ मैं, ये लोग इनका कुछ सीरियस डिस्कशन चालू है इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हैं दोनों। सो गाइस, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी थी। अभी मैं शार्दुल को लेकर गया था एक राउंड मारने के लिए जीएस पर। तो मैं एक सिग्नल था हमारे सामने और एक आदमी हमारे सामने से ऐसे टर्न मार के सिग्नल पर जाकर खड़ा हुआ और मैं उसके बगल में जाकर रुक गया। तो उसकी थी BMW 310 R और मेरे थी GS। तो वहाँ से जो बातें शुरू हुई, हम एक घंटा सिग्नल क्रॉस करके, मतलब सिग्नल क्रॉस करके हम उस साइड जाकर पहुँचे और वहाँ हमने ऑलमोस्ट एक घंटा बात की। और वो मतलब लोग आपको कैसे मिल जाएंगे, और अगर आपकी कुछ तो है उधर, अगर आपके वाइब्स मिल गए ना तो फिर बातें होती रहती है। उसका भी पैशन राइडिंग है और मेरा भी पैशन राइडिंग है, तो करेंगे कुछ प्लान साथ में। तो ऐसे होता है आपके साथ हमेशा, मतलब एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा शार्दुल को, मेरी बहन को, मेरे माताजी पिताजी को एक बात बोलता रहता हूँ कि द गुड थिंग्स हैपन व्हेन दे आर लीस्ट एक्सपेक्टेड। एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ होता है हमेशा। सो गाइज, बस इतना ही कहना था, अभी चलता हूँ ऊपर, थोड़ा सा काम बाकी है और तो चलो ऊपर चलते हैं। ठंड काफ़ी है यार, पता नहीं क्यों। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, समय आ चुका है व्लॉग का एंड करने का, और इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगले टाइम से जो जो नए लोग मेरे व्लॉग में आएंगे उनको मैं व्लॉग में लेने की कोशिश करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि वो आज मुझे मिले तो जाहिर सी बात है ना, मैं उनसे नहीं बोल सकता कि आप मेरे वीडियो में आ जाओ नहीं। तो इसलिए जब वो ज़्यादा मुझसे फेमिलियर होंगे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। पर काफ़ी अच्छा, मैं बढ़िया इंसान है। तो गाइज, ऑन दिस नोट, दिस इज योर फिट ऋषि व्लॉग साइनिंग ऑफ फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर 1% भी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं आप मतलब मेरे व्लॉग्स आपके साथ रिलेट हो रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। दिस इज योर फिट ऋषि व्लॉग साइनिंग ऑफ। और जाने से पहले 4 words बोल कर जाऊंगा, कौन से? Exactly. Good night, stay blessed, stay healthy and stay connected. I will see you very, very, very soon. So, bye.